माता दी दोस्तों, मैं रोशनी शुक्ला, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ गंगा दशहरा के दिन किए जाने वाले एक मनोकामना पूर्ति रामबाण उपाय की, जिससे हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। गंगा दशहरा का दिन हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, तो आप कैसे इस दिन मनोकामना पूर्ति उपाय करके अपने जीवन को सुख और समृद्धि से भर सकते हैं, ये जानने के लिए बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। साथ ही आप पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिखें। दोस्तों, माँ गंगा इस समस्त संसार के लोगों के पापों का हरण करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो भी गंगा में स्नान कर लेता है उसे अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो गंगा दशहरा के दिन ऐसा क्या करें कि हमारी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाएं? दोस्तों, हर किसी के मन में बहुत सी इच्छाएं होती हैं। कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो कुछ जीवन में कभी अपनी मनोकामना पूरी नहीं कर पाते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको महा उपाय बताने जा रही हूँ, ये आपको सिर्फ एक बार करना है और ये आपके जीवन की हर प्रकार की बाधा को दूर कर देगा और आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो पूरी अवश्य ही हो जाएगी। दोस्तों, ये उपाय आपको गंगा दशहरा के दिन करना है। इस उपाय के लिए आपको एक नारियल लेना है। नारियल जटा वाला होना चाहिए और उसके अंदर पानी होना चाहिए। नारियल खरीदते समय आप नारियल को अच्छे से हिलाकर देख सकते हैं, उसमें पानी की आवाज आए, ऐसा जटा वाला नारियल ले आएं। साथ में अपनी लंबाई के बराबर एक काला धागा ले लें। इन दोनों चीज़ों को लेकर आपको किसी बहते हुए जल के पास जाना है। यदि गंगा जी के किनारे जा सकें तो सबसे उत्तम है, नहीं तो आप किसी भी नदी नहर के पास जाकर आप ये उपाय कर सकते हैं। नदी किनारे पहुंचकर अपने दाहिने हाथ में नारियल और बाएं हाथ में काला धागा ले लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए नारियल में धागा लपेटते जाएं। धागा लपेटने के बाद उसमें गांठ लगा दें और उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, ये महा उपाय एक ही दिन करना है, एक ही बार करना है। आपको ये उपाय बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है। दोस्तों, अगर ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपकी बड़ी सी बड़ी मनोकामना भी पूरी होगी। माता लक्ष्मी की कृपा से आप जल्दी से धनवान बन जाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।